ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा, जिसमें भाग ले रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग और आकाशवाणी संवाददाता उमेश चतुर्वेदी। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आज चुनाव प्रचार थम गया। राजनीतिक दल और उम्मीदवार जहां समर्थन के लिए घर घर संपर्क कर रहे हैं, वहीं चुनाव आयोग निष्पक्ष मतदान के लिए अपनी तैयारियों में व्यस्त है। हिमाचल की इन्हीं तैयारियों पर हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग। आपके लिए बहुत व्यस्तता भरा समय है, लोकतंत्र के महापर्व के लिए देवभूमि में कैसी तैयारियां हैं? 12 नवंबर को जो चुनाव होने हैं हिमाचल प्रदेश में, उसकी सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। आज हमारी पोलिंग पार्टीज का डिस्पैच स्टार्ट हो गया है और लगभग 85% जो पोलिंग पार्टीज हैं वो आज डिस्पैच हो जाएंगी और शेष जो पोलिंग पार्टीज हैं जो नजदीक के पोलिंग स्टेशन में जाती हैं उनका डिस्पैच कल होगा। इसके अलावा जो सभी तैयारियां हैं उनके मटेरियल से रिलेटेड, ईवीएम से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड, ट्रेनिंग जो है वो भी कम्प्लीट कर ली गई थी। अच्छा, कहीं हेलीकॉप्टर वगैरह से भी भेजना पड़ता है? ऐसे कितने केंद्र हैं और कितनी पोलिंग पार्टियां ऐसी जा रही हैं? जो हमारे दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, जिसमें जो ट्राइबल एरियाज हैं, तो हमारी जो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है उसका जो काजा एरिया है, जो स्पीति एरिया है, वहां पे हम लोगों ने जो ईवीएम्स और पोलिंग मटेरियल केलोंग से काजा पहुंचा दिया था, पासिस बंद हो जाते हैं तो वो हेलीकॉप्टर से पहुंचा दिए गए थे, और जो मौर से पांगी के लिए भी इलेक्शन मटेरियल और ईवीएम्स जो है पांगी में पहुंचा दी गई थी पहले ही। एक पोलिंग पार्टी ऐसी है जो बड़ा बंगाल की है, जिसको बाया चॉपर भेजा जाता है पोलिंग पार्टी को ही अलोंग विद द ईवीएम। एक पोलिंग स्टेशन है, वो भी कल और आज में वहां पे पहुंचा दिया गया। ये भी लाहौल स्पीति में ही है? ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, बैजनाथ। कांगड़ा में भी कई केंद्र ऐसे भी हैं जिनको बहुत लंबा पैदल भी चलना पड़ता है, जरा उनकी भी जानकारी दे देते और वहां कैसी तैयारी है? हमारे करीब करीब 190 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिसमें कि 3 किलोमीटर से ज्यादा चलना पड़ता है, और इन पोलिंग स्टेशन में ऑफ कोर्स हम लोग आज ही के दिन डिस्पैच करते हैं और वहां पे जो पोलिंग पार्टीज हैं उनको आज अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले उनको डिस्पैच किया जाता है, जिससे कि वो समय पर अपने बूथ पर पहुंच सके। इस बार हमने उनको कैरी बैग्स भी दिए हैं ईवीएम्स के लिए, जिससे के लिए उनको ईवीएम्स को कैरी करने में सुविधा हो और वो हैंड्स फ्री उसको कैरी कर सकें। तो इस प्रकार से जो दूर दराज के क्षेत्रों के लिए तैयारी की जाती है। पिछली बार 2017 की तुलना में इस बार क्या क्या विशेष इंतजाम आपने किया है? ऑल वुमेन पोलिंग स्टेशन हैं, 157 ऑल वुमेन पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें कि मतकर्मी भी और सुरक्षाकर्मी हैं वो सभी महिलाएं होंगी, और 37 पोलिंग स्टेशन हैं जो कि पीडब्ल्यूडी कर्मी उसको मैन करेंगे, और 136 जो हैं हमारे मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। सभी पोलिंग स्टेशन में जो शोर्ड मिनिमम फैसिलिटीज हैं, जैसे टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर्स, रैम्प्स की फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी, सो ये सब हम लोगों ने प्रोवाइड की है। स्पेशली जो वुमेन वोटर्स और पीडब्ल्यूडी या ओल्ड एज वोटर्स हैं उनके लिए सेपरेट क्यूज का प्रावधान भी किया जाएगा, जिससे कि उनको कोई असुविधा ना हो। मनीष जी, एक चीज और है कि चुनाव आयोग क्या करता है, कई बार कुछ जो विशेष मतदान केंद्र होते हैं उनके लिए कर्मियों के लिए विशेष ड्रेस कोड वगैरह भी करता है, ऐसा भी कुछ किया है क्या हिमाचल प्रदेश में? ऐसा कोई अलग से हमने ड्रेस कोड नहीं रखा है, लेकिन जो कर्मी हैं बेसिकली वहाँ पे उन पोलिंग स्टेशन्स में, वो वहाँ पे जो मॉडल पोलिंग स्टेशन्स हैं उसमें कुछ एक्सटेंडेड फैसिलिटीज रहेंगी, जैसे कुछ जगह क्रेच वगैरह का अरेंजमेंट किया गया है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, कुछ जगह ऑफ कोर्स जो वेटिंग एरियाज जो है वो प्रॉपरली शेल्टर्ड रहेंगे, क्यूज तो हो गए, उसके अलावा वहाँ पे ओवरऑल जो एनवायरनमेंट रहेगा वो एक थोड़ा सा वेलकमिंग जैसा और ज्यादा रहेगा, प्रॉपर गेट वगैरह रहेगा, सेल्फी पॉइंट रहेगा, तो इस टाइप के वहाँ पे अरेंजमेंट्स किए जाते हैं जिससे कि मतदाताओं को और अट्रैक्ट किया जा सके। और ये पुलिस प्रबंधन में कितने लोगों को लगाया गया है, सुरक्षा कर्मियों को? पुलिस प्रबंधन में हमारे जो टोटल सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है लगभग 25,000 है, जो कि पोलिंग स्टेशन पे भी ड्यूटीज के लिए जाते हैं और साथ ही साथ जो दूसरी ड्यूटीज हैं, पेट्रोलिंग ड्यूटीज, नाका ड्यूटी, वो सब हमारी चलती रहेंगी। सबसे ज्यादा कहाँ ध्यान रखने की जरूरत महसूस हो रही है आपको? देखिए, ध्यान तो सभी जगह रखना होगा, कोई भी ऐसा एरिया या कोई भी ऐसा एस्पेक्ट नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि सभी तरफ पूरा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, और हमारी जो टीम्स हैं और जो इलेक्शन मशीनरी है वो पूरी तरह से मुस्तैद रहेगी, जिससे कि सभी एस्पेक्ट्स को हम लोग देख सकें।
केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी तैनात किया गया है? जी, केंद्रीय सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है स्टेट में, और वो भी जो हमारे क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन में डिप्लॉयड रहेंगे, प्लस नाका पॉइंट्स और पेट्रोलिंग ड्यूटीज और QRTs में भी रहेंगी। क्या इनकी संख्या रही होगी, कितनी कंपनियां होंगी, थोड़ा ये जानकारी? हमारे पास लगभग 67 कंपनीज हैं जी, जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज। अरे, युवाओं को लुभाने के लिए किस तरह से कुछ कैंपेन चल रहा है या क्या कर रहे हैं अभी? देखिए, युवाओं को लुभाने के लिए हम लोगों ने शुरू से ही बहुत विस्तृत कैंपेन लेआउट किया था, चाहे वो इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स हों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रजिस्ट्रेशन में उनकी भागीदारी बहुत अधिक बढ़ी है, जो नए वोटर्स बनने की दिशा में। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स भी रखे, जैसे इलेक्शन क्विज हमने करी थी, उसके रिजल्ट्स कल ही हम लोगों ने डिक्लेयर किए हैं, उसमें अच्छा पार्टिसिपेशन हमें मिला। जो एल्डरली वोटर्स को ऑनर भी किया गया, जैसे युवा जो है उनसे इंस्पिरेशन लें। और इसके अलावा हम लोगों ने ये जो सेल्फी पॉइंट्स और सिग्नेचर कैंपेन्स वगैरह भी चलाए, जिससे उसमें भी युवा ही मुख्यतः जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो अनेक अटेम्प्ट्स किए गए हैं जिससे युवाओं को अधिक से अधिक इसमें इन्वॉल्व किया जाए। सोशल मीडिया पे हम लोग काफी एक्टिवली अपना कैंपेन चला रहे हैं उत्सव का, जिसमें भी जो युवा हमारे अधिकतर सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सभी को हम रीच आउट करें और अधिक मतदान हो सके। जी, एक चीज और है कि जैसे मैदानी इलाकों में होता है कि राज्यों की सीमा सील कर दी जाती है, हिमाचल प्रदेश मुख्यतः पंजाब हरियाणा से लगा हुआ है, चंडीगढ़ से, तो क्या ऐसा भी कुछ इंतजाम होगा? मतलब आजकल वैसे ऐसे इंतजामों पर थोड़ा सवाल भी उठते हैं, लोगों को परेशानी होती है, तो इसको लेकर के चुनाव आयोग ने क्या कदम उठाए? नहीं, बिल्कुल, ये सीलिंग ऑफ बॉर्डर्स तो ऑफ कोर्स करना ही पड़ता है, और इसमें जो हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं उनका भी हमें कोऑपरेशन मिल रहा है, और उन्होंने भी अपने एरियाज में सीलिंग का प्रावधान किया है। ऑफ कोर्स ये तो देखा ही जाएगा कि किसी को असुविधा ना हो, लेकिन एक विजिलेंस तो जो है वो बड़ा स्ट्रिक्टली रखा जाएगा बॉर्डर एरियाज पे, जिससे कोई अनटूवर्ड एलिमेंट्स या मटेरियल जो है वो अक्रॉस द बॉर्डर मूव ना कर सके। और मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश जो है वो पर्यटकों को सबसे ज्यादा आकर्षित करता है, बहुत लुभाता है, और इन दिनों भी पर्यटक आते हैं, तो उसके हिसाब से मतलब पर्यटकों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए भी कुछ निर्देश हिदायतें दी गई हैं? हम पर्यटकों के अलावा जो स्थानीय लोग भी हैं, सभी के लिए हिदायतें तो ये है किसी को कोई असुविधा या हैरेसमेंट ना हो। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारे जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं या जो अनटूवर्ड एलिमेंट्स हैं, उन्हीं को हम लोग रोकें और उन्हीं को हम लोग इंश्योर करें कि वो राज्य में ना आए या उनकी मूवमेंट ना हो। सभी को कहा गया है, जो आम नागरिक है उसको कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। एक सवाल ये है कि पिछली बार की तुलना में इस बार कितना जो अवैध पैसे हैं या ड्रग्स वगैरह सीज किया गया है? पिछली बार हमारा जो टोटल सीजर था सब चीज मिला के वो लगभग 10 करोड़ रुपए का वैल्यू टर्म्स में था। इस बार हमारी एनफोर्समेंट जो है वो बड़ी स्ट्रांग रही है और सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज ने अच्छा काम किया है, और हम लोगों द्वारा और कमीशन द्वारा बड़ा रिग्रेस फॉलोअप भी रखा गया। तो अभी हम देख रहे हैं कि अभी हमारा जो सीजर है वो करीब करीब 51 करोड़ तक पहुंच गया है। आखिर में हिमाचल प्रदेश में भयमुक्त और सहज मतदान के लिए आप वोटरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा यही संदेश रहेगा वोटर्स को कि जो है वो अपना भयमुक्त, निर्भय और निष्पक्ष होकर आए और चुनाव करें। आपके लिए सभी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी किए गए हैं और पोलिंग स्टेशन्स पे असुविधा ना हो वो अरेंजमेंट्स भी किए गए हैं, तो आप भयमुक्त होकर और चिंता मुक्त होकर जो है अपना वोट कास्ट करें, और जरूर कास्ट करें। हिमाचल में एक अच्छा नया कीर्तिमान बनाए पोलिंग परसेंटेज का, हमेशा से अच्छा रहा है और बढ़ता रहा है, इस बार और उम्मीद है कि आप लोगों के सभी लोगों के सहयोग से ये और आगे बढ़ेगा। मनीष जी, हमारे श्रोताओं के लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जी, धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा। चर्चा में भाग ले रहे थे हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग और आकाशवाणी संवाददाता उमेश चतुर्वेदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं airnsdtalks@gmail.com पर। इस कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।